हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई है पीजीटी पोस्ट पर और टीजीटी के पोस्ट पर। तो पीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो आप देख लें, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और साथ में बीएड जो है वो यहाँ पर मांगा गया है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में जो सब्जेक्ट हैं संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस है। बीएड इसमें साथ जो है वो मांगा गया है और सीटेट जो है वो क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट जो है वो कहाँ से रिलीज हुई है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय पुरी से ये आई है वैकेंसी। वॉक इन इंटरव्यू जो है 11/7/2023 को 9:30 बजे आपका होगा। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी रिलीज हुई है, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को जो है वो आप भर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय पुरी की जो मेन साइट है इस पर आप देखेंगे सबसे सीरियल नंबर 1 पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी एंड बाल वाटिका टीचर्स की। बाल वाटिका टीचर्स के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को पिछले वीडियोज में बता चुकी हूँ। साथ में जो है आप कैसे अप्लाई करोगे तो सीरियल नंबर 2 में बायोडाटा फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, बायोडाटा फॉर्म जो है वो दिया हुआ है, इसको जो है वो आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो है बायोडाटा फॉर्म जो है वो आ जाएगा। इसको आपको फिल करना है और सबमिट करा देना है। उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को 9 या 9:30 बजे जो भी टाइम दिया हुआ है पहुँच जाना है। यहाँ पर फोटो लगेगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी, जैसे कि आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी वही आप यहाँ पर डालेंगे जिससे आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में बीएड और सीटेट मांगा गया है। और अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजीटी का सब्जेक्ट बीएड यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको क्या यहाँ पर भरना है तो जो भाषा आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी आती है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। हिंदी, इंग्लिश और ओडिशा, ये 3 लैंग्वेज रहेगी। इंग्लिश जो है ऑल इंडिया में चलती है, ठीक है। और साथ में केंद्रीय विद्यालय में हिंदी भाषा जो है इसको भी प्रेफर दी जाती है। तो जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि यहाँ पर जो है वो हम फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अदर अचीवमेंट जो है वो आप यहाँ पर भरेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर आपकी है, कोई हॉबी है, किसी अलग तरीके की अदर इंटरेस्ट है तो भी आप फिल कर सकते हैं। पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पहले एक्सपीरियंस है तो आप भरें ना, अगर नहीं है तो आप जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप सिग्नेचर करके इसको जो है सबमिट करवा देंगे इस फॉर्म को। और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। बायोडाटा फॉर्म भर के जो है वो आप लोगों को सबमिट करा देना है और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय पूरी भुवनेश्वर की मेन साइट पर जो है अनाउंसमेंट सेक्शन पर सीरियल नंबर 1 और 2, ठीक है, इसी बारे में जो है वो डिटेल में सारी चीजें, यदि आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको क्लिक करके डिटेल में और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। बाकी मैंने जितनी आपको चाहिए थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।